फिजिक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने फिजिक्स के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स से जुड़े डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट में हमारा सिलेबस क्या है, फिजिक्स के क्या ब्रांचेज है, इसके कितने टाइप्स है, फिजिक्स में हमें ओवरऑल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें अपने पूरे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फिजिक्स हैज़ मेनली हाउ मच 5 ब्रांचेस। फिजिक्स के मेनली 5 ब्रांचेस होते हैं। आफ्टर दीज देर आर some branches but they are the sub branches or mixture of these 5, है ना। फिजिक्स में मेनली हम 5 ब्रांच ही पढ़ते हैं, इसके अलावा भी और ब्रांच होते हैं लेकिन मेन 5 ब्रांच हम लोग जानते हैं, है ना। तो उन 5 ब्रांच के नेम और उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, एक एक करके वीडियो में जानेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्रांच होता है ना। इसका डिफिनेशन होता है स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, है ना। किसी बॉडी का रेस्ट और मोशन का जो स्टडी होता है उसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स बहुत पुराना ब्रांच है ना, शुरुआत फिजिक्स की मैकेनिक्स से ही हुई थी और मैकेनिक्स को फर्दर 2 सब ब्रांचेस में बांटा गया है। एक है आपका डायनामिक्स और एक है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग मतलब कॉज का स्टडी नहीं करते हैं कि कोई भी अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है ना, तो ये सब मोशन में होते हैं बॉडी, लेकिन इसका कॉज हम लोग नहीं पढ़ते कि किस वजह से मोशन में है ना। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट कंसर्न ओनली विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज, मतलब इसके कॉज पे हम लोग ध्यान नहीं देते, इज नोन एज काइनेमेटिक्स, है ना। इसमें मेनली 2 ही चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपका काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो इसका चैप्टर होता है आपका वह है 2D मोशन, यानी मोशन ही है सिर्फ 1D और 2D। स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन, 2D मोशन यानी इन ए प्लेन, है ना। डायनामिक्स क्या है कि हम लोग इसमें मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन साथ साथ उसका कॉज का भी स्टडी करते हैं ना, कि किस वजह से मोशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा ब्रांच है, ये छोटा सा ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स मैकेनिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना। द ब्रांच of mechanics that concerned with the motion and the physical factor which affect the motion of the body, है ना। वी स्टडी मोशन एंड फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट द बॉडी बोथ, है ना। हम लोग एक साथ दोनों की पढ़ाई करते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि आप कुछ देख लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके अलावा आपका WPE वर्क पावर एनर्जी,
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सर्क्यूलर एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, और इसी में आता है आपका फ्लूइड का भी पार्ट, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके अलावा आप वेव एंड ऑसिलेशन। तो मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसका दो ब्रांच होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में तो हम लोग सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D, है ना। और लेकिन डायनामिक्स में बहुत सारा चैप्टर आते हैं और ये सब 11th में हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ। आगे जाने के बाद इसका फर्दर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, 11th में ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने होते हैं, है ना। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट रेस्ट और मोशन, ये तो हम लोग जान लिए, लेकिन आपको पता है मोशन का डेफिनेशन क्या है? वैसे अगर कोई नॉर्मली कहता है तो हम लोग बोलेंगे जो मूवमेंट कर रहा है वो मोशन में है, लेकिन इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हमें सिर्फ मूवमेंट से पता नहीं चलता कि वो मोशन में है या नहीं, हमें फिजिक्स में और ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए ये पेन है, तो वैसे हम नॉर्मली बोलेंगे कि ये पेन रेस्ट में है, लेकिन अगर आप इसे अर्थ से हट के किसी और जगह से देखिएगा, स्पेस या मून से, तो ये आपको मोशन में दिखेगा, क्योंकि अर्थ भी लगातार मोशन कर रहा है, है ना। तो मोशन फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, मोशन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड करता है ना, दोनों पे डिपेंड करता है। ओके।